पानी में कुछ लुका छिपा है। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? वेल के साथ ऐसे करीबी मुकाबले आप सोचें उससे ज्यादा होते हैं। हालांकि इन वीडियो के लोग बच गए, पर वे वेल का भोजन बनने से बस कुछ मीटर दूर थे। लेकिन क्या होता अगर वे इतने खुशकिस्मत नहीं होते? क्या इंसान वेल द्वारा निगाले जाने से बच सकता है? क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? अगर आपने वेल को करीब से नहीं देखा तो समझना मुश्किल है कि वे कितने विशालकाय हो सकते हैं। सोचिए, नीली वेल धरती का सबसे बड़ा जानवर है। सिर्फ उसकी जीभ का वजन एक हाथी जितना होता है और उसके मुंह में 400-500 लोग आ सकते हैं। पर इनसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनकी शारीरिक रचना हमें निगलना असंभव बनाती है। इसके बजाय हमें उनके छोटे रिश्तेदार स्पर्म वेल से सावधान रहना चाहिए। 1891 में खबरें आई कि एक वेल ने एक आदमी को निगल लिया था। हालांकि वो बच गया, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। कहानी के मुताबिक जेम्स बार्टली को वेल ने निगला जब उसने जहाज पर हमला किया और उसे अगले दिन तक नहीं निकाला गया। जब चलाक दल ने वेल को मारा और कटा तो उन्हें बेहोश पर जीवित जेम्स बार्टली मिला। उसका चेहरा और बहन सेफ्ट हो गई थी और वो अंधा हो गया था, सब वेल के पेट के एसिड की वजह से। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, लोगों ने इस कहानी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। आखिर क्या पेट का एसिड सिर्फ त्वचा को सेफ्ट करने से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता? विज्ञान की मदद से हमने गहराई से जांच की और पाया कि अगर आप वेल के पेट में जाते हैं तो सेफ्ट त्वचा के साथ वापस आना आपकी सबसे छोटी चिंता होगी। ठीक है, तो एक बार निगाले जाने के बाद आपकी पहली चिंता होगी स्पर्म वेल के मजबूत दांतों से टुकड़े टुकड़े हो जाना। हर दांत लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह एक औसत रसोई चाकू जितना लंबा है और वेल के पास 40 से 50 ऐसे दांत होते हैं। मान लें कि आप इन सभी से बचने में सफल हो जाते हैं, फिर आप गले से नीचे उतरना शुरू करेंगे। यहां न सिर्फ अंधेरा और चिपचिपा होगा, बल्कि ऑक्सीजन की कमी और मिथाने गैस की वजह से सांस लेना भी मुश्किल होगा। जैसे जैसे वेल की गले की मांसपेशियां आपको नीचे धकेलेंगी, आपकी त्वचा पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का असर होना शुरू हो जाएगा। मुझे पता है आप क्या, हम अभी अभी इस वेल में आए हैं और जेम्स बार्टली की कहानी पहले से ही संदिग्ध लग। हां, आप सही हैं, लेकिन अब रुकने में क्या मजा है? अगला, आप वेल के चार पेटों में से पहले और सबसे बड़े पेट में गिर जाएंगे। आप वहां कुछ देर रहेंगे, पर अच्छी बात यह है कि आपके आने के बाद चमकीले स्क्विड की रोशनी हो सकती है। स्पर्म वेल नियॉन फ्लाइंग स्क्विड को बहुत पसंद करते हैं। इस छोटी सी रोशनी का मजा ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद आप एक पेट से दूसरे में फेंके जाएंगे जहां एसिड आपके शरीर को लगभग पूरी तरह से तोड़ देगा। जब तक आप सिर्फ हड्डियों का ढेर बंकर वेल की गुड़ा से बाहर नहीं निकाल जाते। तो हां, यह कहना सुरक्षित है कि वेल द्वारा निगले जकार जीवित बचना असंभव है। माफ कीजिए, आप 1890 के दशक में लोगों को बेवकूफ बना सकते थे, पर अब वेल जितने भी बड़े या डरावने लगे, उन्हें इंसानों को खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और अगर वे बोल सकते तो वे शायद हमें यही बताना चाहेंगे।